हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटी विद मनीषा। और मैं हूँ मनीषा। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक पैलेट का रिव्यू। टाइटल से आपने देख लिया होगा मैंने किस पैलेट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था एक ऑनलाइन स्टोर से जिसका नाम है कॉस्मिक्स्ट्रा, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन आई एम करेक्टली। एंड साइड में उसके मैं इमेज डाल दूंगी पेज की, या इस पेज पर आपको सारे ही हाई एंड ब्रांड्स के प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट आपको रिसीव हो गए। तो या मैंने जिस पैलेट को परचेस किया था, ये दिस पैलेट, आई लव दिस पैलेट, क्योंकि इसकी पैकेजिंग आप देख लीजिए, पर्पल एंड पिंक रिफ्लेक्शन है इसमें एंड हल्के से आपको यहाँ पे स्टार्स मिलेंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रिटी ऑल सेट। ये यू कैन बी का पैलेट है। बैक ऑफ में आपको सेम यू कैन बी ब्रांड का नेम, देन प्रिटी ऑल सेट एंड व्हाट इट इज़, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। एंड इट इज़ 86 शेड्स ऑफ पैलेट, मतलब आपको इसके अंदर 86 ऑफ पैलेट्स कलर्स मिलेंगे। फुल पैलेट ऑफ वॉर्म मैट्स एंड डायमेटिक यूज आई शेडो विथ हाईलाइट्स कॉन्टोर एंड ब्लशर। दिस सेट इज़ एवरीथिंग यू नीड टू गेट टू। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने देन मेंशन किए हैं, देन दिस इज़ कंटेंट्स मेंशन किया है, देन इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक का पेज एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन की है। एंड ये क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मेड इन ये पेरिस है। बट इसकी एक डाउन साइड है, इसमें पैराबेंस है, तो आपको दिक्कत है पैराबेंस से तो आप मत यूज़ कीजिए, वरना इसमें पैराबेंस है। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड, एंड देन यहाँ पे ओपन हुआ है। अंदर की तरफ आपको ये सिल्वर पैकेजिंग में मिलेगी, हल्के हल्के स्टार्स आपको सारी जगह पे मिलेंगे अराउंड दिस एंड दिस। एंड यहाँ पे अगेन ब्रांड का नेम इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर आपको मैग्नेट मिलेगा दोनों साइड पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। फर्स्ट ओपन करते ही आपको एक प्लास्टिक केस रिसीव हुआ। देन यहाँ पे ये फर्स्ट हमारा ब्लॉक है जिसमें आपको सारे वार्म शेड मिलेंगे एंड यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है वार्मिंग अप शेड्स, तो यहाँ पे आपको सारे ही वार्म शेड्स मिलेंगे, कुछ मैट्स हैं, कुछ शिमर्स हैं। देन सेकंड साइड ओपन करने के बाद अगेन आपको ये प्लास्टिक का मिलेगा। देन यहाँ पर सारे आपको ग्रीन, येलो, पर्पल, देन ब्लू, ऑरेंज शेड्स मिलेंगे एंड यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कलर स्प्लैश, तो यहाँ पे सारे कलर्स हैं। मिडल सेक्शन में आपको सारे लाइट अप शेड्स मिलेंगे, दो आपको कॉन्टोर शेड्स मिलेंगे, दो आपको ब्लशर शेड्स मिलेंगे, दो आपको हाइलाइटर शेड्स मिलेंगे। एंड इस तरफ हैंडल करना बहुत ही दिक्कत हो जाती है इस पैलेट में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, 86 कलर्स है इसमें। तीन यहाँ पे आपको ग्लिटर शेड्स मिलेंगे, ये मल्टी है, मतलब ब्लू एंड पिंक ग्रीन का रिफ्लेक्ट है। देन यहाँ पे गोल्डन शेड्स मिलेगा एंड यहाँ पे रेड, मजेंटा रेड या मरून रेड कह सकते हैं, ग्लिटर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पैलेट है ह्यूज। इसकी मदद से मैं एक आई पे कलर वाला आई शेडोस लगाऊंगी, मतलब कलर पॉपिंग वाला, एंड अदर साइड पे मैं सारे वार्म्स कलर यूज़ करूँगी। पिगमेंटेशन कैसे दिखती है ओवरऑल आपके साथ में इसके शेयर्स करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो यहाँ पे मैंने बेस कंप्लीट किया है। हम इस पैलेट में से कॉन्ट्रास्ट शेड एंड ब्लशर शेड यूज़ करेंगे एंड हाईलाइटर भी, कि कैसा ये वर्क करते हैं। पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको पैलेट, तो मैं बार बार दिखाऊंगी नहीं। मैं ब्लश के लिए ये शेड यूज़ करूंगी एंड हाइलाइटर के लिए मैं ये शेड यूज़ करूंगी एंड कॉन्टोर के लिए ये शेड यूज़ करूंगी। तो मैं बार बार ऐसे उठा के दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि हैंडल करने में बहुत ही दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं इसका कॉन्टोर कितना। आई लव दिस ब्लश, बिल्कुल भी इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही स्मूथ सा हाइलाइटर है ये। मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा यहाँ पे, कब इस वाले आईज पे मैं सारे कलरफुल कलर्स अप्लाई करूँगी, पॉपअप कलर, मतलब ग्रीन यानी येलो लाइक दैट, एंड इस वाले आईज पे सारे मैं वार्म्स कलर अप्लाई करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आई मेकअप। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आई मेकअप से। आईलेट्स को कंसील करने के लिए मैं यूज़ करूँ यह वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर इन द शेड मीडियम टोनी। तो फर्स्ट मैं आई मेकअप इस साइज का करूँगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूँगी, ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। देन कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँ यहाँ लैक्मे का 9 to 5 कॉम्पैक्ट प्लस फाउंडेशन पाउडर। तो
बैक कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी दिस डार्क ब्लू शेड लाइक दिस एक ब्रश के हेल्प से, एंड इस काफ़ी पिगमेंटेड लग रहा है। अप्लाई कर दूंगी आउटर कॉर्नर में, ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इससे थोड़ा सा लाइट शेड, ये एक ब्लेंडिंग ब्रश में मैं पिक करूँगी। आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन, डस्ट ऑफ कर दूँगी ताकि जो या पाउडर ही है काफ़ी ज़्यादा, हल्के हाथों से इसके मैं सिर्फ ऊपर से ही ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं ये पर्पल शेड अप्लाई करूँगी ठीक ब्लू शेड के पास ही। I pick this shade. Then उसी की साइड में ये ऑरेंज शेड में अप्लाई करूंगी। Then इनर कॉर्नर में मैं ये येलो शेड अप्लाई करूंगी। येलो शेड्स में बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है गाइस। मैं फिंगर की यूज करूंगी, हाँ फिंगर की मदद से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है, बट ब्रश की मदद से आप बिल्कुल भी उठा नहीं पाओगे। ये वाला हमारा आईज कंप्लीट हो चुका है कलरफुल। अब बढ़ते हैं गाइज, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि जो मेरा कलरफुल आई मेकअप लुक था वो डन होने के बाद मैंने वीडियो कुछ देर के लिए पॉज कर ली थी एंड देन मैंने चालू करना भूल गई, तो यहाँ पे मेरा वन मेकअप जो है आए तो वो डन हो चुका है। तो एक्सट्रीमली सॉरी, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मुझे पता चला कि मैंने बटन ऑन ही नहीं किया था, तो प्लीज़ गाइज सॉरी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आईलैशेस अप्लाई की है, आप देख सकते हो कितना सुंदर मेरा आई मेकअप लग रहा है। इसके आई शेडोज बहुत ही पिगमेंटेड हैं गाइस, बट यहाँ का येलो शेड मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि पिगमेंटेड ही नहीं है। आप फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से लगा सकते हो, बट ब्रश की मदद से उतनी अच्छे तरीके से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एंड इसके ग्लिटर्स भी बहुत ही अच्छा है, आपको ग्लिटर ग्लू लगाना पड़ेगा अगर आपको ग्लिटर अप्लाई करने हैं, नहीं तो फॉल आउट हो जाएंगे। ये कलर थोड़े से पाउडरी है, बट पाउडरी होने की वजह से भी इसने मेरे को थोड़ा सा भी फॉल आउट नहीं किया, इज़ गुड थिंग। तो बढ़ते हैं प्राइस की तरफ, इस पैलेट की प्राइस है 2000 रुपीज़, बट मुझे जस्ट 1650 रुपीज़ में ये पैलेट पड़ा था। लिंक उस इंस्टाग्राम पेज की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डेफिनेटली जाके चेक करना। आप देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा है मेरा ये कलरफुल मेकअप, एंड यहाँ पे वार्म साइड का मेकअप है एंड थोड़ा सा मैंने मिडल आईबॉल पे ग्लिटर अप्लाई किया है। मैं पूरे 84 कलर्स की स्वाचेस इस वीडियो होने के बाद लास्ट में डाल दूंगी, तो आप डेफिनेटली जाके चेक करना कि कैसे इसके स्वाचेस है। आई लव दिस पैलेट सो या। अगर हम ब्लश एंड हाइलाइटर एंड कॉन्टर की बात करते हैं तो ब्लश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, ये वाला शेड बेबी पिंक, एंड यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पिंक है, तो ये शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये शेड थोड़ा सा चौकी है कॉन्टोर के लिए एंड थोड़ा डार्क भी हो जाएगा, तो ये शेड परफेक्ट है कॉन्टोर के लिए। हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया था ये शेड, ये बहुत ही स्मूथ बटर सॉफ्ट ग्लिटर है, आप देख सकते हो पिगमेंटेशन, एंड यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। आई लाइक दिस हाईलाइटर सो मच, एंड यहाँ पे आपको वाइट कलर का हाइलाइटर मिलता है जिसकी मदद से आप अपना इनर कॉर्नर या ब्राउ बोन हाईलाइट कर सकते हो। वाओ, बहुत ही अच्छा है एंड पिगमेंटेड भी है कैसा या। तो दोनों शेड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, बस इनमें से ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बहुत चौकी है और अच्छे तरीके से आप ब्लेंड भी नहीं कर सकते। बिगनर्स हो तो आप ये पैलेट आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, मतलब लगेगा, क्योंकि बिगनर्स के लिए आपको सारी प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, देन फाउंडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिगनर्स के लिए आई डोंट थिंक ये पैलेट वर्थ करेगा, क्योंकि अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, डोंट माइंड, बट जो गर्ल्स मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप सीखना चाह रहे हैं, अभी अभी मेकअप स्टार्ट किया है, तो ये पैलेट आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा क्योंकि इसमें सारे कलर्स आपको मिल रहे हैं। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहता है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साइड में बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर लेना, ताकि जो भी मैं मेकअप वीडियो अपलोड करूँगी या इस तरह के हॉल एंड रिव्यूज़ अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल जाए। टिल देन बाय।